हाँ जी किसान भाइयों, विश्वकर्मा दड़बा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं प्रीत ग्रुप नाभा पंजाब, और दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे ट्रैक हार्वेस्टर का मैन, और हमारे साथ हैं मार्केटिंग मैनेजर जो हमें इस मशीन के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले तो विश्वकर्मा दड़बा यूट्यूब चैनल वालों का धन्यवाद कहूँगा, विश्वकर्मा दड़बा यूट्यूब चैनल वालों का, कि जिन्होंने आज हमारी कंपनी में विजिट किया है। दोस्तों दिखाना चाहूँगा आपको, ये हमारी प्रीत ट्रैक कंबाइन है जिसका मॉडल है प्रीत 949T। ठीक है दोस्तों, जो अक्सर आपने देखा होगा साउथ की स्टेटों में, वहाँ अक्सर ज़्यादा धान की ही खेती होती है, तो बड़ी कंबाइनों का वहाँ चलन नहीं है कि ट्रैक कंबाइन ही वहाँ चलती है, क्योंकि गीले का एरिया रहता है, बेड का एरिया रहता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए प्रीत ग्रुप इंडिया में सबसे पहले ट्रैक कंबाइन लेके आया था, जो अलग अलग मॉडलों में लेके आ रहा है, प्रीत 4949, प्रीत 949, प्रीत 949T। और एक खुशी की बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे मक्के की फसल साउथ में काफ़ी होती है, मक्के की जब कटाई होती है तो उस समय बरसात काफ़ी आ जाती है, उस चीज़ को देखते हुए ट्रैक कंबाइन के ऊपर इंडिया में पहली बार हम मक्के वाला कंबाइन भी हमने फिट किया हुआ है, जिसमें किसान भाइयों को ज़्यादा इनकम हो, मक्के की कटाई भी हो, धान की कटाई भी हो, उस चीज़ में भी किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्या सर, इस मशीन में सब्सिडी किसान को मिल जाती है सर? बिल्कुल जी बिल्कुल, सब्सिडी जो है साउथ की स्टेटों में अक्सर आती रहती है, जिसके लिए हमारे सभी मॉडल वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अप्रूवल है। ठीक है सर। सर इसकी जानकारी दो कि कितने फुट का कटर है जिस जगह से लगाया जाता है सर? इसमें अक्सर जो कटर चलता है जी, तकरीबन 7.5 फुट के करीब चलता है, और उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग मेज कटर बार भी हम लोग लगभग उसी साइज़ का लेके आ रहे हैं, जिसमें किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सर इसके अगर लीवरों की बात करें तो इसमें कौन से लीवर यूज़ किए जाते हैं, उसकी इसके बारे जानकारी? इसमें ये होता है जी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर मेन काम करता है कटर के लिए। मेन तो जो हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है, जैसे इम्पोर्टर अपने पंप लगा रहे हैं हम लोग, वही मोटर सिस्टम लगा रहे हैं अच्छी क्वालिटी की, क्योंकि मेन इसमें होता है जी इंजन का, इंजन हम लोग इसमें 76 हॉर्स पावर का लगा रहे हैं, कस्टमर की डिमांड के अनुसार हम लोग इसमें 90 हॉर्स पावर का इंजन भी दे सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद सर मैं देखना चाहूँगा मशीन आगे, और इस चीज़ में जो हाइड्रोलिक और डिस्चार्ज ऑगर जो है ना, डिस्चार्ज ऑगर भी हम लोग, वो भी जैसे बड़ी कंबाइनों में हमने नई कंबाइन में लॉन्च किया है, वो भी हमारा ऑटोमेटिकली है, वो भी हाइड्रोलिक सिस्टम है, वो कंट्रोल जो है ड्राइवर के हाथ में है, उस चीज़ का भी ड्राइवर वही अपनी सीट पे बैठे बैठे ही डिस्चार्ज ऑगर को खोल सकता है, वहीं से बंद कर सकता है, जिसमें उसकी टाइम की काफ़ी बचत होती है। और पीछे से भी जो स्टॉक सिस्टम रहता है जी, क्योंकि हमारे पास जैसे आपको मैंने बताया कि स्टॉक वर्कर सिस्टम, एक्सेल फ्लो सिस्टम, हर तरह का मॉडल में हमारे पास कंबाइन जो ट्रैक में उपलब्ध हैं, जैसी किसान भाइयों की डिमांड उसी अनुसार हम लोग कंबाइन का मॉडल उनको देते हैं। जी सर, पीछे एक मशीन खड़ी है, इसके बारे में जानकारी दोगे सर? ये भी हमारा नया मॉडल है जी, ये हमारा नया मॉडल अभी हमने जो प्रीत 949T में टैप जिसको कहते हैं उसमें लॉन्च किया हमने, ये भी हरियाणा में और हमारे उड़ीसा में या वेस्ट बंगाल काफ़ी स्टेटों में इस मॉडल की डिमांड आ रही है। इस बार भी हमने काफ़ी ये मॉडल है जो मार्केट में उतारा है, काफ़ी हमारे सेल हुए हैं। मेन इस चीज़ में जो ट्रैक होता है, ट्रैक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हाइड्रोलिक सिस्टम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो पहले से हम लोग इन मॉडलों में लगा रहे हैं। ठीक है सर।